हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज सैफबा वेलकम टू माय माई चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आपको क्लास एट का फोर्थ चैप्टर द चैप्टर नेम इज बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी ओके दिस इज ह्यूमरस स्टोरी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को तो चलिए पहले बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं हम डू यू हैव अ गुड मेमोरी हैज़ योर मेमरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू अब बच्चों कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है इस पूरे स्टोरी में हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं हम वही देख लेते हैं तो हमें इसके हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बिपिन के बारे में ठीक है बिपिन एक मैन है जो कि अपनी मेमोरी को खो देता है, थोड़ी बहुत मेमोरी उनकी खो जाती यानी उनकी याददाश्त चली जाती कुछ इंसिडेंट की अब ही थिंक दैट ही हैज़ अ लैप्स ऑफ मेमोरी तो ऐसा भी है कि शायद उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी मेमोरी खोई नहीं है बट कोई पर्सन है जो उनसे उस, बता रहा है कि आपने आपने ये सब किया था बट उन्हें याद नहीं आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि एक स्टेट पर आगे उन्हें लगने लगता है कि हाँ शायद मैंने अपनी जो मेमोरी है वो खो दी है तो क्या सच में उन्होंने अपनी मेमोरी को खो दिया था या फिर उनके साथ कोई प्रैंक हो रहा था तो वो सब हम आगे पढ़ते हैं तो चलिए आपके चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं एवरी मंडे अब ये पार्ट आपको फोर पार्ट में दी गई है स्टोरी ठीक है फोर पार्ट डिवाइडेड है इसके फर्स्ट पार्ट है आपका ये एवरी मंडे ऑन हिज़ वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स अब हा उनका एक शेड्यूल था क्या वो हर मंडे हर मंडे कहाँ जाते थे बिपिन चौधरी जो थे वो अपने काम के लिए कहाँ जाते थे कालीचरण एक ये मार्केट है न्यू मार्केट है जहाँ वो बुक्स ख़रीदने के लिए जाते थे ठीक है वो बुक्स ख़रीदने के लिए जाते थे वहाँ पर क्राइम स्टोरीज़ घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स तो वो कौन कौन सी बुक्स वहाँ से बाय करते थे क्राइम स्टोरीज़ भूतों की कहानियाँ और थ्रिलर्स यानी एडवेंचर्स से भरी स्टोरीज़ उनको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था तो इसीलिए वो हर मंडे को जाते थे कहाँ पर कालीचरण मार्केट और वहाँ से बुक खरीद कर लाते थे ही हैड टू बाई एट लीस्ट फाइव एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक अब पूरे हफ्ते के लिए वो एक बार में ही पाँच बुक खरीद के ले आते थे ठीक है ही लिफ्ट एलोन वॉज नॉट अ गुड मिक्सर हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट आइडियल चैट यानी अनसेसरी रूटीन या कॉन्वर्सेशन अनसेसरी रूटीन कॉन्वर्सेशन या, यानी बेकार की जो फालतू तो बातें होती है अननेसेसरी तो वो क्या थे वो अकेले रहते थे और वो ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे उनके बहुत कम दोस्त थे वो अपना जो टाइम है वो फ़ालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करते थे यानी लोगों से बात करने में वेस्ट नहीं करते थे टुडे एट तो इसीलिए क्या था जब वो अकेले रहते थे लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते थे इंट्रोवर्ट थे वो कह सकते हैं तो वो बुक्स पढ़ना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता था और इसीलिए वो बुक्स ख़रीदते थे Today at Kali Charan's Bebe Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned around and found himself looking at a round faced, meek looking man who now broke into a smile. अब अपने रूटीन की तरह जो बिपिन चौधरी थे वो कालीचरण मतलब उसी मार्केट में गए बुक बाय करने के लिए ठीक है तो उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है बहुत देर से उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है आ, पास से ही आ, और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर एक मैन खड़ा होता है जिसका गोल राउंड फेस होता है और वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं बिपिन बिपिन चौधरी तो वो क्या करता है स्माइल करने लगता है उनको देख ठीक है वो पर्सन उनको देख कर स्माइल करने लगता है जैसे वो उन्हें जानता है बिपिन को जानता है ठीक है आई डोंट सपोज यू रिकोगनाइज मी वो क्या बोलता है कि आई डोंट सपोज कि आप मुझे पहचान पाए ये हैवी मेट बिफोर आस्क बिपिन बाबू अब बिपिन बाबू क्या बोलते हैं Uh, ये जो बच्चे स्टोरी है ये किसने लिखी है बंगाली ने लिखी है बंगाली ऑथर है वो हमारे इसीलिए uh, बंगाली में बाबू कहा जाता है जो भी पर्सन होते हैं तो ये अब हम इनको क्या पढ़ेंगे बिपिन चौधरी नहीं बिपिन बाबू पढ़ेंगे ठीक है अब वो बोलते हैं कि क्या हम पहले मिले क्या हम पहले मिल चुके हैं बिपिन बाबू उनसे पूछते हैं द मैन लुकड ग्रेटली सरप्राइज वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक अब मैन जो है उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर देखता है और वो बोलता है कि हम तो आ, पूरे वीक हर 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 डे मिलते थे आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू हुद्रो फॉल्स तो वो पर्सन क्या बोलता है कि हम तो आ, रोज मिलते थे हर वीक हम रोज मिलते थे तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने अपने आपके लिए कार भी अरेंज की थी हुंद्रो फॉल्स जाने के लिए हुंद्रो फॉल्स कहाँ पर है ये है हमारा न, रांची में ठीक है वॉटर फॉल है ये एक जो है रांची में फिर वो बोलते हैं इन 1958 इन रांची माय नेम इज़ परिमल घो घोष रांची तो अब वो बोलते हैं कि मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी रांची में वो नाइनटीन में और मेरा नाम परिमल घोष है तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं तो बिबिन बिपिन चौधरी जो होते हैं वो बोलते हैं रांची मैं तो रांची गया ही नहीं वो कहता है नाउ बिबिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक अब वो जो बिबिन बाबू होता है वो वो सोचते हैं कि शायद इस इस पर्सन को कोई गलती हो गई होगी या गलती से ये, ये किसी और पर्सन को जानता होगा मुझे इसने वो पर्सन समझ लिया होगा यानी इससे कोई मिस्टेक हो गई होगी बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची क्योंकि बिपिन बाबू ने तो कभी रांची को देखा ही नहीं था वो अपने दिमाग में सोचते हैं ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट वो बोलता है कि मैं बहुत बार जाने की कोशिश की है मैंने मैं वहाँ जाना चाहता था रांची बट मैं कभी जा नहीं पाया ही स्माइल एंड सैड डू यू नो हु आई एम तो बिपिन चौधरी बोलते हैं स्माइल करते हुए कि क्या आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ द मैन रेज हिज आईब्रोज वो अपने थोड़ा एक्सप्रेशन करता है आईब्रोज को अपनी थोड़ी रेज करता है और बिट हिज टू डो आई नो यू हु डजेंट नो बिपिन चौधरी वो बोलता है कि आप मुझसे ये पूछें कि मैं आपको जानता हूँ आपको तो कौन नहीं जानता है बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है बिपिन बाबू नाउ टर्न टू तो द बुक शेल्फ एंड सेट अब बिपिन बाबू तो जो जो थे वो तो अपनी बुक शेल्फ के ही पास खड़े थे और उसको अपनी बुक्स को देखते हुए वो बोलते हैं स्टिल यू आर मेकिंग अस्टेक क्या आप तो फिर से एक मिस्टेक कर रहे हैं शायद कि वन ऑफन डस के हर किसी के साथ ऐसा हो जाता है कोई बात नहीं आपसे भी कोई मिस्टेक हो गई होगी आई आई हैव नेवर बीन टू रांची कि मैंने भी कभी रांची नहीं गया हूँ मैं कभी भी द मैन नाउ लाफ्ट अलाउड अब वो जो मैन था जो बोल रहा था कि नहीं आप राँची गए हैं हम मिले हैं तो जो ये मैन था जब इन्होंने कहा बिपिन चौधरी ने कि नहीं मैं रांची नहीं गया हूँ कभी भी कि शायद आपसे कोई मिस्टेक हो गई होगी तो जो वो मैन था वो बहुत ज़ोर जोर, जोर से हंसने लगता है और बोलता है वट आर यू सेग म चौधरी कि आप क्या बोल रहे हैंगे यू हैड अ फॉरिन हंद्रो एंड कट योर राइट नी अब वो बोलता है कि आप हंद्रो में आप जब गए थे तो आपका जो राइट आ, नी है तो वो आपका जो है वो कट गया था आई ब्रॉट यू आयोडीन और मैं आपके लिए आयोडीन लाया था मलम लाया था आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटार हार्ट द नेक्स्ट डे और मैं आपके लिए मैंने कार भी अरेंज की थी वहाँ ने, नेक्स्ट डे नेटार हार्ट जाने के लिए बट यू कोडेंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी और आपके घुटने में जो दर्द था उसकी वजह से आप जा नहीं पाए थे कांट यू रिकॉल एरी थिंग क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है सम वन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम और uh, कोई uh, आप किसी और को भी जानते थे रांची में जो उस वक्त आपके साथ था और उसका नाम था मिस्टर दिनेश मुखर्जी जो आपके साथ था वहाँ पर यू स्टेड इना बेंगलो तो वो कहाँ पर रुके थे बंगलो में वो रुके हुए थे यू सेड यू डिडेंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुर्ची तो उन्होंने क्या कहा यू सेड यू डिडेंट लाइक तो वो जो मैन था जो परिमल घोष था वो बोलता है हमारे बिपिन चौधरी से कि आपको होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो आपने क्या किया बंगलो में रुकना प्रेफर किया ताकि आपको जो बावर्ची है वो खाना बनाकर दे सके मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर और जो आपके साथ जो पर्सन थे मिस्टर मुखर मिस्टर मुखर्जी वो अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पर रुके हुए थे जो वो बंगलो था यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेम्बर और आपकी बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था उनके साथ मून लैंडिंग के ऊपर कुछ आपको याद है आई टेल यू मोर यू ऑलवेज़ कैरीडा बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीन ट्रिप्स एंड आई एम आई राइट और नॉट तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ और भी प्रूफ्स देता हूँ कि आप जो है जब भी साइट सीन ट्रिप्स के लिए जाते थे वहाँ पर तो आप अपने बुक्स का बैग लेकर जाते थे अपने बैग में बुक्स कैरी करके वहाँ पर जाते थे Uh, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली बिपिन बाबू जो थे वो बहुत शांति से बोलते हैं क्वाइटली हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स उनकी जो आंखें थी वो बुक्स uh, पर ही थी विच मंथ इन फिफ्टी नाइनटीन आर यू टॉकिंग अबाउट अब वो बिपिन बाबू जो थे वो पूछते हैं uh, uh, कि जिस की आप बात कर रहे हैं तो नाइनटीन uh, की तो वो कौन सा महीने की आप बात कर रहे हैं तो वो आदमी बोलता है द मैन सेट अक्टूबर अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर में आप गए थे राजी नो सर सेट बिपिन बाबू आई स्पेंड पूजा इन नाइनटीन फिफ्टी एट विद आ फ्रेंड इन कानपुर बिपिन बाबू बोलते हैं नहीं नहीं मैं का, का जो वहाँ पर नहीं गया था रांची में मैं नहीं गया था क्योंकि वहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के यहाँ कानपुर में पूजा स्पेंड करने के लिए गया था यू आर मेकिंग अ मिस्टेक आप शायद गलती कर रहे हैं गुड डे बट द और वो उनको गुड डे बोलकर बट द मैन डिडेंट गो और डिट ही स्टॉप टॉकिंग पर वो जो आदमी था वो वहाँ से नहीं जाता है और वो बोलता जाता है कि नहीं आप वहाँ गए थे वेरी स्ट्रेंड वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरान्डा ऑफ योर बंगलो तो वो क्या बोलते हैं मैं कि ये तो बहुत अजीब बात है जो आ, हमारे परिवल घोष है वो बोलते हैं ये तो बहुत अजीब बात है एक शाम को हमने साथ में टी भी पी थी वरांडा में बंगलो के जो बंगला था वहाँ के वरांडा में हमने चाय भी पी थी साथ में बैठ कर इवनिंग में और यू स्पोक अबाउट योर फैमिली और आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे यू सेड यू हैड हाँ नो चिल्ड्रन आपने बताया था कि आपकी कोई भी चिल्ड्रेंस नहीं है एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ टेन ईयर्स अगो और आपने बताया था कि दस साल पहले मेरी वाइफ मतलब मेरी वाइफ डेथ हो गई थी योर ओनली ब्रदर से मेंटल हॉस्पिटल इन रांची और इसी की वजह से आपने रांची में हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया था वहां पर भी आप नहीं गए थे इसकी वजह से वेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप बिपिन बाबू ने जब बुक्स फिर क्या हुआ ये सारी बातें वो मैन करने लगा फिर बिपिन बाबू ने बुक्स की बुक्स के पैसे दिए और वो वहाँ उस शॉप से चला गए चले गए बिपिन बाबू द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ अब वो मैन जो था वो उन्हें स्टिल घूरे जा रहा था कि कंप्लीट सरप्राइज अटर डिसबिलीफ यानी उन्हें मतलब बहुत सरप्राइज के साथ ये उन्हें कुछ भी याद नहीं है रांची के बारे में वो गए थे लेकिन उन्हें कुछ भी इतना सा भी याद नहीं है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहे था, था परिमल घोष ठीक है कॉम्प्रिहेंशन uh, चेक हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो में करेंगे तो सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं बिपिन बाबू कार्वो सेफली पार्क इन बर्थ स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा अब ये जो विभिन्न बाबू हैं ये आए हुए थे बुक खरीदने के लिए कालीचरण ठीक है अब वहाँ पर इन्होंने अब ये अपनी कार लेकर आए थे तो इन्होंने अपनी कार को सेफली पा, पार्क किया हुआ था कहाँ बर्थराम स्ट्रीट ये स्ट्रीट का नाम है लाइट हाउस सिनेमा के पास में ठीक है वहाँ पार्क किया हुआ था इन्होंने ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू द कार अब वो अब ये दुकान से बाहर आ चुके हैं ठीक है ठीके? अब ये अपने ड्राइवर से बोलते हैं जिसका नाम क्या है सीताराम है वो अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि तुम जस्ट ड्राइव बाय द गंगा कि तुम गंगा की तरफ से चलना विलयू सितम uh, सीताराम ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर अब जब वो चल रहे थे रास्ते पर तो उन्होंने उन्हें जो है ना बहुत रिग्रेट फील हो रहा था कि मैंने ये ये जो इंट्रूडर मिला था मुझसे क्या नाम था उसका बच्चा उसका नाम था परिमल घोष अभी जिससे ये मिले थे थोड़ी देर पहले तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे कि मैंने इसे मुझे अटेंशन देनी ही नहीं चाहिए थी इतने ज्यादा वक्त मैंने ज़ाया कर दिया उस इंट्रूडर के ऊपर ही हैड नेवर बीन टू रांची मैं तो कभी रांची गया ही नहीं नो क्वेश्चन अबाउट इट इट वॉज इनकन्सिवेबल दैट ही शुड फोगेट सच एन इंसिडेंट विश took प्लेस ओनली सिक्स और सेवन ईयर्स अगो अब वो बोलते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है ये और इम्पॉसिबल बहुत डिफ़िकल्ट बिलीव करना कि मैं इतनी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट को कैसे भूल सकता हूँ जो अभी छः ओनली सिक्स और सेवन इयर्स पहले ही हुआ है अगर ऐसा होता और मैं रांची जाता तो क्या मैं छः सात साल की बात इतनी जल्दी भूल जाता है ऐसा होना तो बहुत इम्पॉसिबल है ही हैड एन एक्सेलेंट मेमरी अब वो ऐसे क्यों बोल रहे थे क्योंकि उनकी तो मेमरी बहुत अच्छी है वो कोई चीज़ इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है छः सात साल की बात वो इत... कैसे भूल सकता है और वो भी एक ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ही ख़ास हो कि वो रांची गए थे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील हैड रिल्ड है ड्रील्ड यानी ही वो शॉकड एंड कन्फ्यूज अब वो अपनी मेमोरी कब मतलब उनकी मेमोरी कभी कभी तब चली जाती है यानी वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कब भूल जाते हैं जब वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं कंफ्यूज स्टेट में जब होते हैं तब वो भूल जाते हैं थोड़ा बहुत वरना तो उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट है वॉज ही लूजिंग हिज माइंड तो वो सोचता है कि कहीं मैं कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ बट हाउ कुड दैट वी के नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस कि मैं तो रोज़ ऑफिस में वर्क करता हूँ इट वॉज अ बिग फर्म एक बहुत बड़ा फर्म है वो जिसमें मैं काम करता हूँ एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब और मैं एक रिस्पॉन्सिबल जॉब करता हूँ वहाँ पर ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग कि वहाँ पर तो मेरे साथ कोई भी चीज़ गलत नहीं हुई कि मैं मतलब कुछ भूल गया हूँ या कुछ भी ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट and yet the man knew a great deal about him how अब वो बोलते हैं कि मैं तो इतना मतलब मेरी मेमोरी पावर तो बहुत अच्छी है मैं ऐसे ना मैं पागल हुआ हूँ तो न कुछ लेकिन ये जो आदमी ये बोल रहा था कि मतलब मैं रांची गया हूँ और मुझे याद नहीं है लेकिन एक बात ये भी है कि उसको कैसे पता इतनी मेरे जो पर्सनल चीज़ें हैं वो उसे कैसे पता इ, मेरे बारे में इतना कुछ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स और उसे मेरी पर्सनल डिटेल्स के बारे में भी पता था किसको ये जो इस इंट्रूडर मिला था इनको परि परिमल घोष जो मिला था इनको तो इसे इनकी इंटीमेट डिटेल्स भी पता थी जैसे कि द बैग ऑफ बुक्स बुक्स का बैग्स ये ले जाते थे वाइफ उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी ब्रदर्स इंसनेटी के बारे में तो इन सब इंसिडेंट्स के बारे में उसको पता था तो वो कैसे पता था इतना सब वो कैसे जानता था द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची बस उसने एक चीज़ गलत कही कि मैं रांची गया था नोट अस्टेक कि ये एक मिस्टेक नहीं थी बल्कि डिलीवरेट लाए था ये एक झूठ था जो उसने जान पूछ कर बोला था इन नाइनटीन फिफ्टी एट ज्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिस्ट फ्रेंड हरिदास हरिदास बाग चीज प्लेस वो कहता है कि 1958 में तो मैं पूजा के लिए गया हुआ था कानपुर में अपने फ्रेंड हरिदास बागची के पास ऑल विपिन बाबू हैड टू तो डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास अब वो क्या सोचता है कि मैं अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखता हूँ हरिदास को कि मैं सच में क्या पूजा के लिए आया था अक्टूबर में 1958 में तो वो कंफर्म करने के लिए उन्हें लेटर लिखने का सोच रहे होता है लेकिन ये भी एक बे बेकार सा उनका आइडिया था क्यों क्योंकि बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज़ वाइफ फॉर जैपैन सम वीक्स एगो एंड ही डिडेट हैव हिज एड्रेस क्योंकि वो बहुत कुछ ही वीक्स पहले क्या हो, क्या हो गए जापान चले गए अपनी वाइफ के साथ और अब उन्हें बिपिन बाबू को उनका एड्रेस नहीं मालूम है तो वो लेटर कैसे लिखेंगे ये जानने के लिए कि मैं पूजा पर आया था आपके पास अक्टूबर में या नहीं तो वो पर वो ऐसा नहीं करता है क्यों क्योंकि उनके पास एड्रेस नहीं था बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ अब वो अपने आप से बोलता है कि पर मुझे प्रूफ की क्या ज़रूरत है मुझे एविडेंसेस की क्या ज़रूरत है ही हिमसेल्फ वज फुली अवेयर दैट ही डैट ही हेलन बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट वो बोलते हैं कि मुझे कोई प्रूफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है uh, मैं तो मैं हंड्रेड परसेंट शोर हूँ कि मैं रांची नहीं गया हूँ और बस इतनी बात ख़त्म कि मैं मैं तो जानता हूँ ना कि मैं रांची नहीं गया हूँ द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ साइड डिसकम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड ब्रेसिंग एंड स्टीमुलेटिंग बहुत धीरे धीरे से बहुत ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी रिवर के पास से जब वो जा रहे थे लेकिन इतना अच्छा मौसम था लेकिन जो बिपिन बाबू का माइंड था उन वो वो तो पूरी तरह से डिस्कम्फर्ट हो चुका था यानी बहुत कन्फ्यूज स्टेट में वो थे बहुत उनका जो दिमाग था वो बहुत डिस्कम्फर्ट था हो रहा था ये सारी बातों को सोच कर अराउंड बिबिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी अब जो वो परिमल जो वो इंट्रूडर था परिमल घोष उन्होंने क्या बोला था कि आपकी नीं पर चोट लग गई थी कट कट लग गया था तो इसी को देखने के लिए कि सच में कट लगाया तो वो अपने ट्राउजर्स को ऊपर करके देखते हैं कि क्या मेरे सच में कट लगा हुआ है देर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट अब वहाँ सच में उनके एक कट लगा हुआ था एक लॉन्ग इंच काफ़ी लंबा उनके इंच के बराबर कट लगा हुआ था वहाँ पर बहुत ओल्ड पुराना यानी ऐसे लग रहा था बहुत साल पुराना हो वो इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन इंजरी हैड अ कट ये बताना मुश्किल था कि वो कितने साल पुराने था बट वो काफी ओल्ड ओल्ड कट थाड ही नेवर है फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी वो अपने आप से बोलते हैं अपने आप को समझाते हुए कि शायद ये कट मेरे तब लग गया होगा जब मैं छोटा होऊंगा शायद तब ये मेरे नी पर चोट लग गई होगी ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट अब वो याद करने की कोशिश करते हैं रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे मेरे साथ बचपन में बट कुडन बट नहीं याद आता उन्हें क्या ऐसा कुछ हुआ था या बचपन में कोई कट वग़ैरह लगा था उन्हें पर याद नहीं आता है देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी अब अचानक वो सडनली किसके बारे में सोचने लगते हैं दिनेश मुखर्जी ये कौन है ये कौन पर्सन है जो के आ, हमारे जो आ, क्या नाम था उनका आ, परिमल घोष तो उन्होंने क्या बताया था कि आप किसके साथ गए थे वहाँ पर दिनेश घोष भी वहाँ पर आपके साथ आए हुए थे ठीक है रांची में तो ये वही है दिनेश मुखर्जी द मैन हैड सेट दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम कि ये भी सेम टाइम पर इनके साथ थे बिपिन बाबू के तो इन्होंने क्या सोचा बिपिन बाबू ने कि मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ दिनेश मुखर्जी से कि क्या आप मेरे साथ गए थे क्या तो ये इनके दिमाग में ये बात आ रही थी द बेस्ट थिंग श्योरली वुड टू बी आस्क हिम कि यही बात अब मैं इनसे पूछूंगा लिफ्ट क्वाइट नियर वो कहाँ पर रहते थे बनिन बरिंदन स्ट्रीट uh, पर वो रहते थे uh, थोड़ा पास में ही था तो उन्होंने सोचा कि मैं जाकर पूछ लेता हूँ व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ राइट नाउ बट देन इफ यू हैड रियली नेवर बीन टू रांची व्हाट वुड दिनेश थिंग इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कंफर्मेशन ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स नो इट्स वुड बी रेड्यू टू आस्क हिम गोइंग नट्स यानी गोइंग मैड क्रेजी तो आप ये सोचता है कि मैं चलो जाता हूँ और दिनेश मुखर्जी से पूछ लेता हूँ कि क्या आप मेरे साथ गए थे क्या रांची लेकिन ये बहुत ही बेकार रेडिकुलस था उनसे ऐसा पूछना क्यों क्योंकि अगर मान लो उन्होंने बोला कि क्या आपको ये याद ही भी नहीं है कि हम रांची गए थे एक साथ अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम गए थे रांची और उन्होंने जब ये कहा कि क्या तुम भूल गए हो सारी चीज़ें तो दिनेश जो है वो मुझे पागल समझेगा और मैं बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्ट हो जाऊँगा और बहुत एम्बेरसमेंट फील होगा तो ये बिल्कुल बेकार तरीका है मैं नहीं पूछूंगा उनसे घर जाकर उनके एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज कुड भी दिनेश जो है बहुत ही रूथलेस है मतलब उसकी जो बातें हैं वो ए, एकदम से इंसान को सामने से कुछ भी बोल देते हैं तो इसीलिए uh, उन्हें बहुत एम्बेस फील होगा अगर वो घर जा ऐसा पूछेंगे तो और अगर उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ हम रांची गए थे तो फिर तो सीन बहुत ही खराब हो जाएगा तो वो उनके घर नहीं जाता है सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग लिविंग रूम अब वो अपने घर पर आ जाते हैं अब तो वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं सिप सिप कर रहे होते हैं उसको पी रहे होते हैं आराम से एयर कंडीशन में बैठ कर बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन अब उनको थोड़ा अच्छा महसूस होता है सचा न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एस टू डू द गो अबाउट गेटिंग टू अदर पीपल्स है अब वो बहुत गुस्सा कर उस इंसान पर जो उन्हें बुक स्टोर पर मिला था परिमल घोष पर वह बहुत गुस्सा कर रहे कह रहे हैं ऐसे लोगों को जब कुछ काम नहीं होता ना तो ऐसे लोग ना क्या करते हैं दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं उनकी लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं जब उन लोगों को कुछ काम नहीं होता गेटिंग इंटू पीपल्स हेयर यानी इंटरफेयरिंग विद एन अनोइंग पीपल जो आपको परेशान कर देते हैं अनोय कर देते हैं तो अनोइंग पीपल किसे बोल रहे हैं ये परिमल घोष को आफ्टर डिनर स्मगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स विपिन बाबू फो गोट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट अब वो डिनर के बाद अपने बेड पर सोने के लिए जाते हैं अब वो क्या करते हैं एक थ्रिलर्स की जो एडवेंचर्स की जो बुक लेके आए थे उसमें से एक निकालते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं और वो उस आदमी के बारे में और मार्केट के बारे में जो भी हुआ वहाँ पर वो सब कुछ भूल जाते हैं और आराम से अपनी बढ़िया बुक पढ़ते हैं नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिबिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड अब अगले दिन क्या होता है जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि एवरी पासिंग आवर वो क्या कर रहे हैं वो उन्हें जो गुजरा हुआ डे है जो वो उस परिमल घोष से मिले थे उनके दिमाग में बार बार वो आया जा रहा है बार बार वो आया जा रहा है इफ़ द मैन न्यूज़ सो मच अबाउट बिपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप अब वो क्या बोलते हैं अपने आप से बिपिन बाबू कि Uh, ये जो मैंने उसे मेरे बारे में कितना कुछ पता है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कितना कुछ वो जानता था, था तो वो रांची की ट्रिप के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है जब वो सब कुछ तो सच बोल रहा था तो वो कैसे मिस्टेक कर सकता है कि मैं रांची ट्रिप गया था तो वो इस बारे में तो झूठ नहीं बोल सकता जस्ट बिफोर लंच बिबेन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी अब बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं कि लंच बिफोर लंच मैं क्या करूँगा दिनेश मुखर्जी से कॉल पर बात करूँगा इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन अब ये जो क्वेश्चन है मेरा फ़ोन पर अच्छे से सेटल हो जाएगा मुझे उनके घर नहीं जाना पड़ेगा तो वो ये सोचते हैं कि मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल करूँगा एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडेंट शो अब एटलीस्ट uh, अगर इम्बेरसमेंट मुझे होगी तो उनके जो फेस पर ये जो दिनेश मुखर्जी uh, का जो रिएक्शन होगा वो उन्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा तो इसीलिए वो सोचता है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मैं उनसे कॉल पे बात कर लूँ तो वो नंबर डायल करता है टू थ्री फाइव सिक्स वन सिक्स बिपिन बाबू डाइल्ड द नंबर अब वहाँ से क्या ये बोलता है हेलो इज़ दैट दिनेश दिस इज़ बिपिन अब वो बोलते हैं कि आप दिनेश बात करें मैं बिपिन यहाँ से बोल रहा हूँ वेल वेल वॉट द न्यूज़ अब वो बोलते हैं अच्छा अच्छा क्या ख़बर है uh, और बताओ क्या चल रहा है आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विश टू प्लेस इन नाइनटीन फिफ्टी एट अब जो विपिन बाबू होते हैं वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर तुम्हें एक एक, इंसिडेंट के बारे में रिकॉल कराना चाहता हूँ जो एट में हुआ था आ, मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है नाइनटीन में जो इंसिडेंट हुआ था तो फिर वो बोलते हैं नाइनटीन फिफ्टी एट वॉट इंसिडेंट तो वो पूछते हैं क्या कैसा इंसिडेंट वेयर यू इन कैलकता राइट थ्रू दैट ईयर दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो अब वो बोलते हैं कि पहली चीज़ बस मुझे ये जाननी है कि तुम कैलकता से उस साल तुम जब उस साल जब तुम कैलकता में थे तो कहीं तुम कहीं और भी गए थे तुम कैलकता के अलावा 1958 में वेट जस्ट अ मिनट 1958 जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी अब वो क्या करते हैं वो अपनी डायरी में चेक करते रहते हैं चेक कर रहे थे क्योंकि वो अपनी डायरी में सारी चीज़ें लिख कर रख लेते हैं कि मैं यहाँ यहाँ गया था तो वो बोलते हैं कि थोड़ी देर वेट करो मैं देख के बताता हूँ डायरी में फोर मिनट देयर वोज साइलेंस थोड़ी देर क्या हुई थोड़ी देर बिल्कुल शांति होगी साइलेंस हो गया बिपिन बाबू को फील देट हिज हार्ट बीट हैट गोन अपी वो स्वीटिंग स्वेटिंग अ लिटिल अब बिपिन बाबू का जो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो गई थी क्यों जब हमें मान लो कोई इंसान मान लो हमारा रिजल्ट आने वाला होता है तो हमारा कैसे धक धक दिल धड़कता है तो उसी तरीके से इन्हें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि आप क्या कहेंगे दिनेश मुखर्जी तो और उन्हें पसीना आने लगता है अब वो फाइनली बोलता है वहाँ से दिनेश मुखर्जी हेलो येस आई हैव गॉट इट आई इट बीन आउट ट्वाइस कि मुझे दो इंसिडेंट मिले हैं 958 फिफ्टी एट में मैं दो जगह पर गया था वेयर अब वो पूछता है कहाँ पर वंस इन फेबररी पहले में फेबररी में गया था नियर बाय टू कृष्णा नगर टू आ नफ्यूज़ वेडिंग के मैं नफ़्यू की वेडिंग में गया था uh, कृष्णा नगर एंड देन बट यू डिड नो अबाउट दिस वन अब वो बोलते हैं कि पता नहीं तुम्हें तुम्हें तो पता होना चाहिए इस ट्रिप के बारे में द ट्रिप टू रांची कि रांची की ट्रिप यू वर देयर देयर टू और तुम्हें तो पता ही हम साथ में गए थे दैट्स ऑल बस इतना ही मैं दो ही जगह पर गया था बट वॉट ऑल दिस सल्यूथिंग सल्यूथिंग अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग अब वो पूछते हैं बट तुम इतना इन्वेस्टिगेटिंग क्यों कर रहे हो उन सब के बारे में नो आई जस्ट वॉन्ट इट टू एनी वे थैंक्स अब वो बोलते हैं नहीं मैं तो बस ऐसे ही जानना चाह रहा था थैंक यू सो मच तो वो फ़ोन कट कर देते हैं बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ट हिज हैड विद हिज हैंड्स अब बिबिन बाबू फ़ोन रखते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं कि ये क्या हो गया भाई मतलब मतलब वो रांची गए थे इसका मतलब और उन्हें कुछ भी याद नहीं है ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग मतलब उनका दिमाग घूमने लगता है छक्कर आने लगते हैं उन्हें अचल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी और उनकी जो बॉडी है वो ठंडी पड़ जाती है देरवर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स जो वो अपने साथ सैंडविचज खाने के लिए लाए थे डिनर uh, में मतलब लंच में तो वो क्या होता है बट ही डिडेंट ईट डेम पर वह उन्हें खाते नहीं क्यों ही हैड लॉस्ट इज़ एपिटाइट वो अपनी उनकी भूख जो है ना गायब हो गई थी उड़ गई थी मान लो ये सब सुन के कि वो रांची गए थे दिनेश मुखर्जी के साथ और उन्हें याद है इन्हें याद नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ये शौक हो जाता है इनका इन्हें चक्कर आने लगता है सर पकड़ लेते हैं ये अपना तो ये थी स्टोरी अब आगे जाने की सच में वो रांची गए थे या अभी भी इनके साथ प्रैंक चल रहा है या फिर क्या ठीक है तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में हम इसको पूरे कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी है आपका ये चैप्टर तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर